हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस. मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल. मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशंस. सो मल्टी नेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज. मतलब स्टूडेंट्स, कोई ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा, अगर कोई एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है बिजनेस एक्टिविटीज़, तो उस कंपनी को हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टी नेशनल कंपनीज के नाम से जानते हैं. Such a company has branches, factories, workshops in different countries. या तो उनकी किसी दूसरी कंट्रीज़ में ब्रांच है, कोई फैक्ट्री है, वर्कशॉप है. A multinational corporation is also known as transnational corporation or global enterprise or international enterprises. The headquarters of multinational companies आर लोकेटेड इन वन कंट्री. अब जो इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स होता है वो तो किसी एक कंट्री में होता है, और उसी कंट्री को हम क्या कहते हैं, उसकी होम कंट्री. एंड इट्स कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज, उनको बोलते हैं हम होस्ट कंट्रीज. द मल्टी नेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला, हुंडई, नाइकी, रिबोक एक्सेट्रा. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. कैंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. जो ये कंपनीज होती हैं बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस ऑपरेट करती हैं, और इनके जो कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं. द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज. मतलब उनके पास बहुत सारी एसेट्स और उनकी जो सेल्स होती है वो बहुत होती है. दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल. दे ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल. देयर ऑपरेशंस आर सो ह्यूज डेट समटाइम्स देयर सेल्स टर्नओवर एक्सीड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GDP ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री. मतलब बहुत बार तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनका जो GDP होता है, जो सेल्स टर्नओवर होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी डेवलपिंग कंट्री के GDP से भी ज़्यादा हो जाता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए, द फिज़िकल एसेट्स ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक्सीड $8 बिलियन. मतलब सिर्फ फिज़िकल एसेट्स ही IBM कंपनी की कितनी है, एक्सीड्स $8 बिलियन. सेकेंड पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. मतलब ये जो एंटरप्राइज होती हैं ग्लोबल एंटरप्राइज, दे आर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. मींस जो उनका हेड ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर होता है होम कंट्री में, सभी पॉलिसी, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहीं पर फ्रेम किए जाते हैं, और उसी को फॉलो करके जो अनदर कंट्रीज में ब्रांचेस होती हैं वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके काम को करती हैं. द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन होम कंट्री. ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट्स विद इन द पॉलिसी फ्रेम वर्क फॉर्म्ड बाय हेडक्वार्टर्स. मतलब जो भी पॉलिसी, जो भी सभी चीज, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हेडक्वार्टर्स में फ्रेम किए जाते हैं, बाकी सभी जो ब्रांचेस हैं वो उसी को फॉलो करती हैं. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. अभी हमने बात की थी कि इन कंपनी का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अब ये क्या करते हैं, सबसे जो लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करते हैं टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं. दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. मींस ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. मींस
ये जो भी काम करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन होती हैं उनको यूज़ करके काम को करते हैं, एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, और नई नई टेक्निक्स को ढूंढते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं और दे कैन अफोर्ड इट. नंबर फोर, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. अब ये जो अपनी इनकी मार्केट टेरिटरी होती है, मार्केट की जो सीमा है उसको भी इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज, जिस मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल, अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सेस करते हैं. इट इज़ एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, आसानी से वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज में बेच पाते हैं. अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री, ये तो हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में पढ़ा था कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं. इट हैज़ इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस इन सेवरल कंट्रीज. इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज इन अ होस्ट कंट्री. नंबर फाइव, ओलिगोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स. ओलिगोपोली मीन्स पावर इन अ हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली. अब यहाँ पर ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है हमारा, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा. ओलिगोपोली जो मार्केट होती है मीन्स जहाँ पर कुछ, देर आर सम फ्यू कंपनीज ओनली, मतलब कुछ फ्यू कंपनीज ही बिजनेस ऑपरेट करती हैं एट लार्ज स्केल. लार्ज स्केल पे फ्यू कंपनीज ही बिजनेस ऑपरेट करती हैं. ड्यू टू देयर गेंड साइज एंड मल्टी नेशनल कंपनीज ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजिशन इन अ मार्केट. भाई इनका साइज इतना बड़ा होता है कि उनकी एक मार्केट में कोई एक डोमिनेटिंग पोजिशन होती है. जैसे कि हम इंडिया के अंदर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशनल सर्विस की, जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स, इंडिया में अगर हम बात करें तो वो भी क्या हैं, वहाँ पर भी क्या हैं, देर आर फ्यू बट लार्ज स्केल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जियो, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, आइडिया, बस तीन चार, चार पाँच ही हैं गिने चुने. तो इसमें क्या होता है कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनके पास ओलिगोपोलिस्टिक पावर होती है, मींस मार्केट में कुछ फ्यू ही कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़े स्केल पे काम को करती हैं और इनका अपनी ही मार्केट में एक पोजीशन होती है. दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म्स टू एक्वायर ह्यूज पावर. फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक्वायर टाटा ऑयल मिल्स, पॉन्ड्स इंडिया एक्सेट्रा टू इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर. जैसे कि ये और दूसरी कंपनीज हैं उनको भी टेक ओवर कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने टाटा ऑयल मिल्स को और पॉन्ड्स इंडिया को एक्वायर कर लिया, जिससे उसका इंडिया के अंदर मार्केट शेयर और इंक्रीज हो गया. प्रोडक्ट इनोवेशन, दीज एंटरप्राइजेज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मतलब इनका बहुत ही मतलब शानदार, वो कह सकते हैं ना कि बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो रिसर्च एंड R&D जो डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं. एंगेज्ड इन टेक टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और वो लगे रहते हैं किसी नए प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए बनाने में. एंड द सुपीरियर डिज़ाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और या तो नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन को अच्छा बनाने में. जैसे कि आप देखते हो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप देखते हो कि हर साल में कार का नया डिज़ाइन, नई शेप, नया मॉडल, बिल्कुल उसको मतलब क्या कहते हैं, एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनी में जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम पे लगा रहता है दिन रात एक करके. वो सिर्फ उस प्रोडक्ट के उस मतलब उस चीज़ को क्या कहते हैं, बनाने में ही, डिज़ाइन विज़ाइन में ही लगे रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग. अब मार्केटिंग के तो इनके पास सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो उस पर बहुत सारा पैसा ये मार्केटिंग पे खर्च करते हैं. मार्केटिंग मीन्स अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना, उसको पॉपुलर बनाना. दे यूज़ अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज़
देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड, कम ही टाइम में अपनी सेल्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो अलग अलग जो इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं वो उनको फॉलो करते हैं। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव, तो बहुत ही इफेक्टिव अच्छे तरीके की टेक्निक्स, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स या एडवर्टीजमेंट टेक्निक को ये यूज़ करते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशंस, ग्लोबल एंटरप्राइज यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद इंडियन कंपनीज, तो बहुत सारी क्या होती हैं कि जितनी भी ग्लोबल एंटरप्राइज होती हैं वो किसी इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके ही इंडिया में एंटर करती हैं। प्रिटेनिंग टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को बेचने में, अपने गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए, यूज़ ऑफ ब्रांड नेम फॉर द फाइनल प्रोडक्ट्स, तो ये फॉरेन कोलैबोरेशंस के अकॉर्डिंग ही ये काम को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्वाइंट वेंचर। आफ्टर मल्टीनेशनल कंपनी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइंट वेंचर। वैसे बेसिकली स्टूडेंट्स जो टॉपिक मैं आज आपको करवा रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इस साल जो आपका करंट अकाउंटिंग, करंट जो ईयर है आपका एकेडमिक ईयर है, उसमें से ये सिलेबस वैसे डिलीटेड है, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। वेन टू और मोर फर्म्स ज्वाइंट टूगेदर टू इस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज देन इट इज़ नोन एज ज्वाइंट वेंचर। जब दो कंपनियाँ एक साथ मिलकर किसी एक नई कंपनी को जो इस्टेब्लिश करते हैं तो उसे ही हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। द टू फर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ज्वाइंट वेंचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स, दो फर्म्स के बीच की पार्टनरशिप को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर फर्म्स ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज फर्म्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ज्वाइंट वेंचर। अब इसमें एक सेम कंट्री की भी दो फर्म्स एक नई फर्म को इस्टेब्लिश कर सकती हैं और दो डिफरेंट कंट्रीज की फर्म्स भी एक नई कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने इसमें फोटो भी दिखाई दे रहा है, मारुति कंपनी ऑफ इंडिया, इंडिया की मारुति कंपनी और जापान की सुजुकी कंपनी दोनों ने मिलकर कंपनी फॉर्म कर दी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसके बाद स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। फर्स्ट इंक्रीज रिसोर्स ऑफ एंड कैपेसिटी, जब दो डिफरेंट कंपनीज एक साथ मिलकर किसी नई कंपनी को अगर इस्टेब्लिश करेंगी तो उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी कैपेसिटी है, वो अपने आप ही दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इन ज्वाइंट वेंचर कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब दोनों ही कंपनी जब एक साथ आती हैं तो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। अनेबलिंग द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो ग्रो कर सकते हैं अपने साइज को, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा जल्दी भी और एफिशिएंटली भी। असेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर इट कैन असेस न्यू मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मान के चलो कोई फॉरेन कंपनी अगर ज्वाइंट वेंचर में आती है इंडिया में किसी इंडियन कंपनी के साथ, दे गेट एसेस टू वास्ट इंडियन मार्केट, उन्हें इंडियन मार्केट में एसेस कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ रिटेल आउटलेट्स ऑफ इन डिफरेंट लोकल मार्केट्स, तो जिस कंपनी के साथ उन्होंने ज्वाइंट वेंचर में आए हैं उसके जितने भी स्टोर्स आउटलेट्स हैं वो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एसेस टू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर हम एडवांस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा मार्केट में, और जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम, इससे बहुत सारा टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, इन्वेस्टमेंट बचेगी,
बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब जब दो कंपनियां एक साथ मिलती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है किसी एक कंपनी के पास पहले से ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, तो दूसरी कंपनी को उसको डेवलप करने पे कोई भी पैसा एनर्जी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय ज्वाइनिंग हैंड विद अ कंपनी ऑफ डेवलप्ड नेशन, अगर हम किसी डेवलप्ड नेशन की किसी कंपनी के साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो इंडियन कंपनीज गेट बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इंडियन कंपनी जो हमारे देश की कंपनी होगी उसे बेनिफिट मिलेगा एडवांस टेक्नोलॉजी का। इनोवेशन जॉइंट वेंचर्स हेल्प बिजनेस टू कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑफ फॉरेन पार्टनर्स। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी कंपनीज का जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज विद इंडियन कंपनी, अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होती है, दे गेट इमेंस बेनिफिट ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है, बिकॉज लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे यहाँ सस्ता है, लेबर हमारे यहाँ सस्ती है, मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे यहाँ एक चीप रेट में, मतलब एक सस्ते रेट में, उन डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कम रेट में, कम प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, कम। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल्सो नोन एज PPP और P3। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर, मतलब गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट कंपनी को, दोनों को मिलाकर अगर कोई काम स्टार्ट किया जाता है, कोई वेंचर किया जाता है, तो उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। विच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, मतलब गवर्नमेंट और एक या दो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को मिलाकर इसे ऑपरेट किया जाता है। द स्कीम आर ऑल्सो नोन रेफर टू P3, PPP और P3। फॉर एग्जाम्पल अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट डेवलपर, एक प्राइवेट डेवलपर ने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई, सारे फाइनेंस सारे पैसे लगाए, और बाद में उसको हॉस्पिटल अथॉरिटी को, मींस किसी गवर्नमेंट को, उन्होंने क्या कर दिया, लीज पर दे दी। द प्राइवेट कंपनी एक्ट एज अ लैंडलॉर्ड, प्राइवेट कंपनी कैसा काम करेगी कि वो लैंडलॉर्ड है और कोई भी हाउसकीपिंग सर्विस या कोई भी नॉन मेडिकल सर्विसेज सभी वही प्रोवाइड कराएगी, किसे, और हॉस्पिटल अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसे जो उसका जो भी एक रेंट है, फिक्स रेंट है, वो पे करेगी। फीचर्स ऑफ PPP, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी, पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली PPP। PPP इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी इन विच द प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंशियल टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ उसको ऑथराइज कर देती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जितने भी हमारी कंट्री के मोस्टली डैम्स हैं, ब्रिज हैं, या फिर जो हाईवेज होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप करके और उसको उसके लिए कम्प्लीटली जो होता है उसका जो भी एक्सपेंस है उसको बनाने का सभी उनको प्रोवाइड करती है, और बाद में थ्रू टोल टैक्स या फिर अदर चीज़ों से उसके जो पैसे कलेक्शंस के लिए उन्हें वो अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने पैसे को, कॉस्ट को कवर कर सके। प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी, प्रोजेक्ट डेट एम्स इन क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर मान लो कोई पब्लिक गुड्स बन रही है तो गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ कैपिटल सब्सिडी, उन्हें कैपिटल सब्सिडी भी देती है इन फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द प्राइवेट सेक्टर। इन सम केसेस गवर्नमेंट में प्रोवाइड रेवेन्यू सब्सिडी, रेवेन्यू सब्सिडी भी होती है कि जिसमें इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेकर्स और बाय प्रोवाइडिंग गारंटीड एनुअल रेवेन्यू, कि आपको हर साल इतने पैसे इतने दिनों तक, 10 साल तक, 20 साल तक। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि जो हमारी दिल्ली मेट्रो, सबसे पहले जब दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट की गई थी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक रेड लाइन मेट्रो स्टार्ट की गई थी, स्टार्ट्स फ्रॉम रिठाला, रोहिणी के पास रिठाला टू शाहदरा,
ये सबसे पहले जो मेट्रो स्टार्ट की गई थी रिठाला टू शाहदरा, ये हमारी जो ज्वाइंट ये पीपीपी है ये इंडियन गवर्नमेंट एंड जापान की एक प्राइवेट कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें फर्स्ट टेन ईयर्स पहले 10 साल का रेवेन्यू गवर्नमेंट और जापान की कंपनी में 50-50% डिवाइड होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे लगाए थे, जापान से टेक्नोलॉजी आई थी और उससे करके हमने उस मेट्रो को स्टार्ट किया था, जिसका 10 साल तक 50% रेवेन्यू हमें जापान की कंपनी को देना था। पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर, पीपीपी सूटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स है सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कोई, तो पीपीपी इज यूज टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टारगेटेड एट पब्लिक वेलफेयर, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसने दे दिया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, मल्टीनेशनल कंपनीज, ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।